नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे दाल के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर। दाल उत्पादन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। क्या आंकड़े हैं, ऐसे में कीमतों में किस तरह का इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मिल सकता है। और आज की पहली कॉल है आनंद राठी कमोडिटी की, सिल्वर 47,400 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है। 46,800 का टारगेट होगा, 47,700 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है कॉपर 327 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है 323 के टारगेट के लिए, 329 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं क्रूड में निर्मल बैंक का मानना है कि 3050 के स्तर पर आप बाई करिए, 3120 का टारगेट होगा और 3000 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन जो लेवल आपको एक्सपर्ट ने बताया उसका ध्यान जरूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। खबर यह है कि दलहन का उत्पादन इस खरीफ सीजन में 57% बढ़ सकता है। जी हाँ, 57%। कृषि मंत्रालय ने पहला उत्पादन अनुमान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि इस साल 87,00,000 टन खरीफ दलहन का उत्पादन हो सकता है, जबकि पिछले साल करीब 55,50,000 टन का उत्पादन हुआ था। जोरदार बढ़ोतरी उत्पादन में यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अच्छे मानसून के साथ साथ दाम ज़्यादा होने से किसानों ने इस बार दलहन की ज़्यादा बुआई की है, जिसका इम्पैक्ट आपको उत्पादन के ऊपर दिखेगा। इसके अलावा रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन का अनुमान सरकार ने जारी किया है। मोटा अनाज का उत्पादन 3.25 करोड़ टन होने की संभावना है, 2.79 करोड़ टन से बढ़कर। इसके अलावा अगर बाकी क्रॉप की बात करें तो तिलहन का उत्पादन भी बढ़ने वाला है और ये 2,34,00,000 टन होने की उम्मीद है, 1,66,00,000 टन से बढ़कर। यानी दलहन और तिलहन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छी खबर आई है। सोयाबीन का उत्पादन 86,00,000 टन से बढ़कर 1,42,00,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है। दलहन की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 87,00,000 टन उत्पादन होने की संभावना है। तुअर इसमें लीड कर रहा है और तुअर का उत्पादन 25,00,000 टन से बढ़कर 43,00,000 टन होने की उम्मीद है। 18,00,000 टन की बढ़ोतरी यहां पर होने की संभावना है तुअर के उत्पादन में। उड़द का उत्पादन 6,00,000 टन बढ़ सकता है और मूंग का उत्पादन करीब 3.5 लाख टन बढ़ सकता है इस खरीफ सीजन में। तो ये उत्पादन के ताज़ा आंकड़े हैं। मूंगफली का उत्पादन 53,00,000 टन से बढ़कर 65,00,000 टन होने की संभावना है और कुल अनाज का जो उत्पादन है वो 13.5 करोड़ टन होने की संभावना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 9% ज़्यादा है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सोमपाल शास्त्री हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल सोमपाल जी आपसे, काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं उत्पादन के, पहला अनुमान सरकार ने जारी किया है, क्या अब आपको लगता है कि महंगाई के मोर्चे पर तमाम चिंता दूर हो जाएगी? क्योंकि आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं तो जो ये आंकड़े होते हैं, पहला जो उत्पादन का अनुमान होता है ये एक्चुअल आंकड़ों के कितने करीब होता है? नहीं, आंकड़े तो लगभग ठीक होते हैं, वैसे तो अनुमान ही होता है। यूं कोई पॉइंट मिलियन टन्स में देखें उतना तो नहीं ठीक होता, पर काफी रिलायबल होता है, काफी विश्वसनीय होता है। और ये अच्छी बात है कि उत्पादन के इतने आंकड़े आ रहे हैं, तो देश के लिए भी अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी बात है, किसान के लिए भी अच्छी बात है। परंतु इसमें दो बातें, पुराना अनुभव अब तक का, सरकार कोई भी रही हो मृत्युंजय जी, यह रहा है कि जब किसान किसी भी वस्तु का या किसी वस्तु की श्रेणी का, जैसे दालों को मोटे तौर से लें या तिलहन को लें, ज्यादा पैदा करता है तो उसका दाम गिर जाता है। और धान और गेहूं को छोड़कर, वह भी केवल कुछ राज्यों में, सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसके पीछे के एक कानूनी सैंक्शन रहती है, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वो किसान को एश्योर नहीं कर पाते। मैं अभी हाल का आपको अनुभव बताऊं, पिछले 4 सप्ताह पहले मैं मंडी डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, इन मंडियों की तरफ गया था, किसी अपने व्यक्तिगत कारण से जाता हूं तो मंडी चला जाता हूं। तो मूंग की दाल का जो दाम घोषित कर रखा था उसकी खरीद का कोई इंतजाम नहीं था। और
तीसरी बात आपने महंगाई की कही है, महंगाई का उत्पादन से या न्यूनतम समर्थन मूल्य से इसलिए संबंध नहीं है कि जब आप तूर की दाल या उड़द की दाल का 50 या 45 या 43 रुपया दे रहे हैं तो वो 120 से लेके 200 रुपए कैसे चली गई। बिल्कुल, महंगाई का उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, वो मार्केट की इन्फर्मिटी और सरकार की नीति की कमजोरी, मुनाफाखोरों को छूट देना इसके कारण है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तालमेल नहीं है होलसेल और रिटेल प्राइस के बीच। देवेंद्र शर्मा जी, जो बात सोमपाल जी ने कही है कि जिस तरह से उत्पादन अगर जब ज्यादा होता है तो दाम घट जाते हैं, और सरकार ने अभी हाल ही में दलहन और तिलहन पर स्टॉक लिमिट की समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है, ऐसे में आपको लगता है कि बम्पर क्रॉप आने से किसानों को नुकसान होगा? देखिए, ये जो सोमपाल जी ने कहा है मैं उनसे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब भी प्रोडक्शन जो बढ़ती है तो ये सोचा जाता है कि भाई कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई लिंक नहीं है, होना तो चाहिए लेकिन ऐसा लिंक नहीं है, क्योंकि जब भी दालों का जो एग्जांपल दिया बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि जब दालों के दाम कम भी ज्यादा भी हो तब भी देखते हैं हम कि दालों जिस तरीके जिस स्पीड से रिटेल प्राइसेस बढ़ते हैं, बड़ा इंडिकेशन है कि भाई सप्लाई डिमांड नहीं है। बीच में एक जो मैनिपुलेशन है इसकी बात कभी नहीं की जाती, इकोनॉमिस्ट जो है शायद ये नहीं जानते कि मैनिपुलेशन का भी शब्द होता है और वो उसको मार्केट को कंट्रोल करता है। तो मार्केट मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आपकी बात जो है कि भाई जहां पर बम्पर क्रॉप हुई है, प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि जब तक हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, बिल्कुल, हम प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं तो किसान को उस बम्पर का एडवांटेज नहीं मिलता है। आपने देखा कि अभी मैं कल के रेट देख रहा था हैदराबाद में, जो प्याज है वो 100 रुपए क्विंटल का बिक रहा है। बिल्कुल, अगर 100 रुपए क्विंटल मार्केट में बिक रहा है तो मुझे बताइए कि किसानों को क्या फायदा हुआ है वो ज्यादा पैदा करने का। ये हमें समझना है। एप्पल को देख लीजिए, हिमाचल का एप्पल 40% ड्रॉप हो गया इस बार पैदावार, और इस बार किसान बहुत खुश है क्योंकि उनको दाम बड़ा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यही एक प्रतिक्रिया रहेगी कि भाई जब पैदावार बढ़े तो किसान मरे, और जब पैदावार कम हो जाए तब कहीं उसको अगर लाभ हो जाए, अक्सर लाभ भी नहीं होता क्योंकि वहां भी उसको मार खानी पड़ती है, तो ये जो है दोनों तरफ से मरता है किसान। तो किसान एक जो उसकी राइट है, जो अधिकार है उसका, जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस भी कहता है, ठीक है, कि एक मिनट, क्योंकि वो कहता है कि राइट टू सेल एट एमएसपी, किसान को एमएसपी का निर्धारित मूल्य मिलना चाहिए। अगर हम 22-23-24 कमोडिटी को देते हैं, जैसा कि मूंग का हम हाल देख रहे हैं, मूंग एमएसपी से भी कम पे बिक रही है, तो उसका क्या फायदा हुआ? किसान ने तो पैदा कर दिया लेकिन देश उसके लिए तैयार नहीं है किसान की मदद करने के लिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी आपका, और सोमपाल शास्त्री जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बम्पर क्रॉप अगर है तो सरकार को किस तरह के इंतजाम करने चाहिए ताकि इसका फायदा कंज्यूमर के साथ साथ किसानों को भी मिले, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब रिकॉर्ड उत्पादन होता है तो दाम गिर जाते हैं, ऐसे में किसानों को नुकसान होता है, तो सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर एमएसपी के ऊपर इसकी खरीद की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं एग्री मार्केट में आज आपके लिए कहाँ पर और कमाई के मौके हो सकते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, कुणाल शाह हैं और साथ ही हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं। पहला सवाल रविंद्र आपसे कि आज के कारोबार में अगर ट्रेड करना हो इंट्राडे में फ्यूचर मार्केट में, तो ग्वार पर आपकी सलाह क्या होगी? क्या ग्वार में आज बेचकर मुनाफा मिल सकता है? जी, ग्वार में अगर हम देखें तो नीचे से एक अच्छी खासी रैली आई थी, 3,800-850 तक जाकर आया है प्राइजेस, और एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है यहाँ पे, और हो सकता है कि प्राइस एक बार 3,600 तक भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 3,720 तक आता है तो एक अच्छी शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3,760, और इसका टारगेट हम ले सकते हैं 3,600। ओके, ठीक है। कुणाल साहब, आपका व्यू आज के मार्केट पर स्पेशली अगर देखें तो सोयाबीन सोया तेल के ऊपर क्या होगा? क्योंकि सोयाबीन पर जो ताज़ा अनुमान आया है उसमें यह कहा गया है कि उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सोयाबीन के दाम अभी और गिरेंगे? जी, आई थिंक जो भी उत्पादन में एकरेज बढ़ा है या प्रोडक्शन बढ़ने वाला है उसके सामने हमने देखा है प्राइस भी इतना बढ़ गया है, सो घट गया है, सो ऐसा नहीं लग रहा है कि सोयाबीन 3,000 हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ से 50-80 रुपए की डाउनसाइड आपको देखने मिल सकती है सोयाबीन में। मैं अराउंड अगर कोई लॉन्ग टर्म से सोच रहा है तो बहुत ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है। मोस्ट ऑफ द वर्स्ट इज प्राइस्ड इन, और इंटरनेशनली क्या होगा उसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ निर्भर करता है। सो मेरी राय में यहाँ से मैक्सिमम 50-80 रुपए की डाउनसाइड के लिए आप बेच सकते हो, बट अराउंड 3,150 इज अ गुड लेवल टू डू लॉन्ग टर्म बाइंग।
इंट्राडे के लिहाज से आप 3230 में बेच सकते हो 3160 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है। रविंद्र आपका व्यू इंट्राडे में स्पाइसेस के ऊपर क्या होगा? मसालों में आपको टर्मरिक और जीरा इंट्राडे के लिहाज से कैसा काउंटर दिख रहा है? जी मेरे हिसाब से ये दोनों थोड़ा सा वीक ट्रेड कर रहे हैं। जीरा में भी हमने देखा है कि अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है और चांसेस है कि एक बार 17,000 से 16,800 तक प्राइसेस आएँ, तो जीरा में अगर उछाल मिलता है टुवर्ड से 17,600 एक बार शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 17,200-17,000। और टीएमसी में हमने देखा है कि 6,600 के आसपास आकर प्राइसेस फिर से एक बाउंस बैक आया है टुवर्ड 7,200 और फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर आ रही है और मुझे ओवरऑल टीएमसी में एक काफ़ी वीक ट्रेंड दिख रहा है। ओवरऑल प्राइसेस माइट इवन फॉल टिल 6,000 लेवल्स। सो मेरे हिसाब से राइस पे सेलिंग स्ट्रेटेजी इज बेटर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 6,900 से 6,800 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके।